Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 9, India Social Life from class 7th SS semester 2. So here you can see 9.6 figure which is showing you folk music of Rajasthan, and in 9.7 figure you can see the Garba, which is a dance which is played in Gujarat. Navratri jo hoti hai uske dauran ye Garba khela jata hai. Now we are going to start from here, that is second point, social life of the people of North India. The staple food of the people of North India is wheat based. They also consume pulses, vegetables, fruits, clarified butter, that is ghee, milk and buttermilk. Lassi sweetened buttermilk of Punjab is a delight to the taste buds. तो उत्तर भारत के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो गेहूं आधारित होता है. इसके अलावा दालें, सब्जियां, फल, शुद्ध घी, दूध और छाछ का भी उपयोग करते हैं. पंजाब की लस्सी तो मानो जैसे हमें पीने में जो खुशी देता है उसकी हम किसी से तुलना ही नहीं कर सकते. पंजाब इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स. द पीपल आर स्टडी एंड हार्ड वर्किंग. मैन एंड बॉयज wear loose pants or slacks with a collared shirt or t-shirt. Some males also wear the kurta pajama, jacket and Indian shirt pant outfit, especially the Punjabi farmer. Many Punjabis, mainly Sikhs, wear the turbans on their heads. The women wear salwar kameez with bright colored dupattas. तो पंजाब को पांच नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है. यहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफ़ी मजबूत या और मेहनती होते हैं. लोग मजबूत और मेहनती होने के कारण बहुत ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं. पुरुष और लड़के जो होते हैं वो कॉलर वाली शर्ट या फिर टी शर्ट के साथ ढीली पैंट या फिर जो स्केल है वो पहनते हैं. कुछ पुरुष कुर्ता पैजामा जैकेट भी पहनते हैं. पैंट खासकर पंजाबी किसान पहनते हैं. कई पंजाबी मुख्य रूप से सिख अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं. महिलाएं जो हैं वो सलवार कमीज़ पहनती हैं और सलवार कमीज़ के साथ वो चमकीले रंग के दुपट्टे साथ में पहनती हैं. जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी सिंस टाइम इमेमोरियल एंड हैज़ बीन एप्टली डिस्क्राइब्ड एज हेवन ऑन अर्थ. कॉस्ट्यूम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेल नोन फॉर देयर एम्ब्रॉयडरी एंड इंट्रिकेट डिज़ाइंस. द फॉर्म ऑफ क्लोदिंग इज़ डिज़ाइन टू काउंटर द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द रीजन. The traditional fehran, that is long tunic stretching up to their feet with full long sleeves, is the most popular form of dress among both men and women. They also wear Mughal type turbans made on headgear, colored scarf, taranga worn by women on their heads. Variation is seen in their outfit due to the modernization. तो जम्मू और कश्मीर प्राचीन काल से अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और धरती पर इसको स्वर्ग के रूप में बताया गया है. जम्मू और कश्मीर की जो वेशभूषा है वह अच्छी तरह से अपनी कढ़ाई और जटिल डिज़ाइन के लिए जानी जाती है. कपड़ों का रूप जगह जो है वो वहाँ जो जगह है वो काफ़ी ठंडी जलवायु का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंडी पड़ती है तो इसलिए वहाँ पे जो लोग हैं इस तरह के कपड़े पहनते हैं. तो पारंपरिक फेरन यानी कि एक पूरा लंबा आस्तीन के साथ अपने पैरों तक लंबा अंगरखा है, जो कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच पोशाक का सबसे लोकप्रिय रूप है. वे मुगल प्रकार की पगड़ी, जो पुरुष होते हैं वो मुगल प्रकार की पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं सर पर एक रंगीन स्कार्फ पहनते हैं जिसे तरंगा कहते हैं. तो आज के मॉडर्न ज़माने के कारण आजकल इस आउटफिट में काफ़ी भिन्नता देखी जाती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कश्मीरी कपल दिखाया है. हियर दिस इज़ कश्मीरी लेडी एंड दिस इज़ गढ़वाल कपल. सो दिस आर द आउटफिट ऑफ पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया. Most of the houses in North India have terraces and are made of bricks, wood, stones and mud. The Dal Lake in Jammu and Kashmir is well known for its famed houseboats known as shikaras. Hindi is widely spoken in North India, but besides Hindi, Punjabi, Sindhi and Kashmiri languages are also spoken. Local dialects such as Bhojpuri, Bihari are spoken in Uttar Pradesh. तो उत्तर भारत के ज़्यादातर घरों में छतें हैं और ये ईंट, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बने हैं. जम्मू और कश्मीर में डाल झील अपने प्रसिद्ध घर के लिए प्रसिद्ध है, जो नावें होती हैं जिन्हें हम शिकारा के नाम से जानते हैं. उत्तर भारत में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, परंतु हिंदी के अलावा पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी भाषाएँ भी बोली जाती हैं. भोजपुरी, बिहारी जैसी स्थानीय बोलियाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं. Festivals and fairs in northern India is celebrated with great fervor.
There are many famous festivals in the northern India that are celebrated by the people. The Baisakhi festival of Punjab is celebrated with the great pomp by all. Bhangra, the folk dance of Punjab, is lively and liked by all. The folk songs of Kashmir, devotional songs of Uttar Pradesh and Punjab are well known. तो उत्तर भारत में त्योहारों और मेलों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. उत्तरी भारत के कई प्रसिद्ध त्यौहार हैं जो लोगों द्वारा मनाए जाते हैं. पंजाब का जो बैसाखी त्यौहार है सभी द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है. भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य सभी द्वारा पसंद किया जाता है. कश्मीर के लोकगीत, उत्तर प्रदेश और पंजाब के भक्ति गीत भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं. द नेचर ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया हाउएवर डिफर्स. वेल द पंजाबीज आर लाइवली एंड चीयरफुल, द कश्मीरीज आर क्वाइट एंड पॉइज्ड. तो हालांकि उत्तर भारत के लोगों की जो प्रकृति है वो अलग अलग है, जबकि जो पंजाबी हैं वो काफ़ी जीवंत और हसमुख होते हैं और जो कश्मीरी हैं वो काफ़ी शांत और शिष्ट होते हैं. तो यहाँ पे 9.9 फिगर आपको दिखाया जा रहा है. ये बोट हाउस है जो कि डाल लेक में पाई जाती है और इसे हम शिकारा कहते हैं. यहाँ पे आपको पंजाब का भांगड़ा दिखाया गया है. यहाँ पे आपको 9.11 जो फिगर है ये कश्मीर में जो डांस है वो दिखाया गया है. जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द पैराडाइज ऑन द अर्थ फॉर इट्स अमेजिंग लैंडस्केप एंड सीनिक ब्यूटी. द एरिया इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस विद ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ग्रीन वैलीज एंड नेचुरल लेक्स. जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्टोर्ड विद ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी दैट कैन मेसमराइज एनीवन. वन कैन सी काउंटलेस गार्डन्स विद टेरेसेस, लॉन्स, कैस्केडिंग फाउंटेन्स, पेंट बॉक्स, ब्राइट फ्लावर बेड्स विथ रेयर फ्लावर्स इन द स्टेट. तो जम्मू और कश्मीर को अपने अद्भुत परिदृश्य और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है. ये जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जहाँ बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियाँ और प्राकृतिक झीलें हैं. जम्मू और कश्मीर में लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता है जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है. राज्य में दुर्लभ लताओं के साथ सीढ़ीदार लॉन, कैस्केडिंग फव्वारे, पेंट बॉक्स, उज्जवल फूलों वाले अनगिनत बगीचे भी देखे जाते हैं. हैंडीक्राफ्ट इज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड हैज़ बीन ऑफ क्रूशियल इम्पॉर्टेंस. सम ऑफ द आइटम्स ऑफ इंडस्ट्री आर पेपियर मैच, वुड कार्विंग, कारपेट्स, शॉल मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एट्सेट्रा. सेफ्रॉन इज प्रीडोमिनेंटली कल्टिवेटेड हियर. तो हैंडीक्राफ्ट यानी कि जो हस्तशिल्प है वो राज्य का पारंपरिक उद्योग है और इसका महत्वपूर्ण महत्व यहाँ पे है. उद्योगों की कुछ वस्तुएं जैसे पेपियर मैच है, वुड कार्विंग है, कालीन है, शॉल बनाना है, कढ़ाई है, ये सब यहाँ पे किया जाता है. इसके अलावा जो केसर की खेती है ये यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पर की जाती है. तो यहाँ पे आपको देख सकते हो 9.12 जो फिगर है ये आपको जो कश्मीर में जो कारपेट बनाए जाते हैं वो दिखाया है. और ये कश्मीर में जो एम्ब्रॉयडरी है, एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो ये लोग जो कढ़ाई करते हैं वो यहाँ पे दिखाई है. एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इज़ द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर पीपल आर एंगेज इन कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू. तो कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों उत्तर भारत के ज़्यादातर लोगों का सिद्धांत है. कृषि के अलावा लोग कुटीर और छोटे उद्योगों में भी लगे हुए हैं. सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक. बाय बाय.